एक सनसनीखेज घटनाक्रम में मुंबई पुलिस ने बुधवार को फेमस एक्टर सलमान खान के बंगले की देखभाल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। सलमान के बंगले की पिछले 20 साल से देखरेख कर रहा एक शख्स मुंबई पुलिस का वंचित अपराधी है और पुलिस पिछले 29 साल से उसकी तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के गुरई स्थित बंगले से गिरफ्तार इस शख्स का नाम शक्ति सिद्धेश्वर राणा है। 62 साल के इस शख्स के यह कार्यकत होने की सूचना मुंबई पुलिस को अपने एक गुप्तचर से मिली। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 ने मुखबिर से सूचना मिलने पर पूरी योजना बनाकर सलमान खान के घर पर धावा बोला। पुलिस को आते देख राणा ने बंगले से फरार होने की कोशिश की, लेकिन चूंकि पुलिस ने उस वक्त बंगले को चारों तरफ से घेर लिया था, लिहाजा वह भागने में कामयाब नहीं हो पाया। पुलिस ने बताया कि राणा और उसके कुछ साथियों को पुलिस ने 1990 में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद लगातार वो पुलिस को चकमा देता हुआ आ रहा है। जी हां, तमाम पेशियों पर जब राणा अदालत नहीं पहुंचा तो इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर लिया गया। राणा के अचानक शहर से गायब हो जाने के बाद भी मुंबई पुलिस उनकी लगातार जानकारी हासिल करती रही और 2 दिन पहले ही राणा के एक आलिशान बंगले में मौजूद होने की खबर मिली थी। पुलिस जब मुखबिर की निशानदेही पर मौके पर पहुंची तो उसे पता चला कि यह बंगला सलमान खान का है, लेकिन पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिना सलमान को बताए बंगले पर छापा मारा और राणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में सलमान खान से भी पूछताछ की जाने की तैयारी है ताकि पता चल सके कि राणा उनके संपर्क में कब, कैसे और किसके माध्यम से आया। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।